कराची प्रेस क्लब पर तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी, तल्ख कलामी और हाथापाई, गो नवाज गो और गो इमरान गो के नारे। इमरान खान आज मजार कायद से हुकूके कराची रैली निकालेंगे। खिलाड़ी पुरजोश, शदीद गर्मी के बावजूद रैली ताकी का शिकार हुई। वज़ीर आज़म के पास दो रास्ते हैं, पैसा छोड़े या इज्जत, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। वो कहते हैं नवाज शरीफ ने अपनी इज्जत गवा दी, उनके वज़ीर आज़म रहने का जवाब खत्म हो चुका। 10 अरब की पेशकश करने वाला लाहौर में रहता है, कराची गंदगी में डूब रहा है, कोई तवज्जो नहीं देता। कराची में इतवार का दिन सियासी संडे में बदल गया, गर्मी बढ़ी तो सियासी पारा भी चढ़ गया। तहरीक इंसाफ, नून लीग, PSP और जमात इस्लामी की रैलियां, जल से रहनुमा अपने कारकुनों में बिजलियां भरने को तैयार, हैदराबाद में PT का धरना। न्यूज लीक्स रिपोर्ट का मामला वजीर आजम की जेर सदारत, जाते उमरा में नून लीग का मुशावरती इजलास, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और दीगर रहनुमा शरीक। इजलास में पाक फौज के तहफ्फुज़ात और मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। न्यूज लीक्स इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट सामने लाने समेत अहम फैसलों का इम्कान। चौधरी निसार के बारे में खुर्शीद शाह के बयान का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान वजीर दाखिला ने कहा है कि चौधरी निसार के पास लुगवी बातों के जवाब देने का वक्त नहीं, हर चीज को वजीर दाखिला के साथ जोड़ना अखलाकी दिवालियापन का सबूत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन का दौरा, सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देगी, भारत सरहदी खिलाफ वर्जियां कर रहा है, कश्मीरियों का हक है कि वो बगैर किसी खौफ के जिंदगी गुजार सके। कुलभूषण तक कौंसलर रसाई नहीं दी जा सकती, हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारत पर वाजे कर दिया, कहा ऐसे कैदियों के हवाले से वियना कन्वेंशन लागू नहीं होता। कुलभूषण के मामले पर हुकूमत और फौज में कोई इख्तलाफ नहीं, भारत मुंबई हमले की तहकीकात में तआवुन नहीं कर रहा। अयाज सादिक की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी पार्लियामेंट के वफ़द का काबुल का दौरा, अफगान सदर अशरफ गनी और पार्लियामेंट के स्पीकर अब्दुल रऊफ इब्राहिमी से मुलाकातें की, मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बरकरार रखने का ऐलान, वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कीमतें बरकरार रखने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और GST वसूल नहीं की जाएगी। मुआशी दहशतगर्द भी मुल्क के लिए जहरे कातिल हैं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है, पानामा में कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं, वजीर आजम मुलविस हैं, उन्हें इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कराची में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी, 12-40 से ऊपर चला गया, शहरी बेहाल, हवा में नमी का तनासुब 9%, महकमे मौसमियात की शहरियों को धूप से बचने की हिदायत। फैसलाबाद में मुल्जिमों की फायरिंग से शहीद SHO मेहर नदीम और कांस्टेबल शहजाद सुपुरदेखा, नमाज जनाजा में RPO, CPO और अकाइटनी असेंबली की शिरकत, थाना सिविल लाइन में वाकये का मुकदमा दर्ज, इश्तेहारी मुल्जिम हाफिज सुलेमान और उसके साथी नामजद। कराची सदर के होटल से मिलने वाली खातून की लाश का मामला, पुलिस के मुताबिक फरहीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद मुकदमा दर्ज होगा, होटल से खातून की फंदा लगी लाश बरामद हुई थी। कराची वाले भी रोजनामा 92 न्यूज के शिद्दत से मुंतजर, लोगों ने कराची एडिशन के इशाअत से पहले ही अखबार का तकाजा शुरू कर दिया। फैशन आइकॉन अमीर अदनान कहते हैं कराची एडिशन से फैशन इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट का आज आगाज। तीन मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मिसबाह की ज़ेरे क़यादत टीम वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज जीतकर तारीख रकम करने के लिए और हाजिर। अमरीकी रियासत टेक्सस में बगोलों ने तबाही मचा दी, 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। डैलस के मशरक़ी अज़ला में बिजली के खंभे और दरख्त उखड़ गए, मकानों की छतें उड़ गईं। कई मकामात पर ट्रैफिक हादसात, हर तरफ तबाही के मनाज़िर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार के 100 दिन मुकम्मल। मारूफ कॉमेडियन विल फर्ल की सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का रूप धार कर पैरोडी, ट्रंप को आड़े हाथों लिया। डमी बुश ने ट्रंप को अपने बाद दूसरा बदतरीन सदर भी करार दे दिया। बिस्मिल्लाह।